इनके लिए होनी चाहिए। और हमारे रमेश भैया एक ऐसे नेता बन गए हैं कि इनका गीत अगर किसी भी फेसबुक और यूट्यूब पे पड़ता है तो कई मिलियन में जाता है। अभी बक्सा में थे भैया और इतना वायरल हो गया वो गीत भैया प्रदीप भैया कि हमने इनके लिए बहुत सारे गाने गाए और आने वाले भविष्य के ये सांसद भी हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं मंत्री बने। मंत्री अब इसके बाद अभी कैबिनेट में उसमें बनेंगे लोकसभा। कि हमारा जना तार रमेश भैया अरे सीएम होई नानायत अरे सीएम होई हो आप लोग बोलेंगे जय कैसे बहुत बढ़िया हे ललना हे ललना हे ललना जौनपुर के सीता ऊपर बदलापुर में जब जाते हैं तो अयोध्या वालों से पूछते हैं कि क्या हाल है इस समय, तो लोग बताते हैं शिवम भाई की तरफ से देखिए ये मेरे लिए आशीर्वाद आया है अंग्रेज भैया, ये तो भाव आ गया। अभी इस गीत को शिवम भाई ने सुनाया है। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के तो गणेश जी का ये बप्पा जी की इस समय समय चल रहा है, पूरा महाराष्ट्र रंग में डूबा हुआ है, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो कहना है कि मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे अब भोले बाबा जी के आंखों के तारे। हमें लग रहा है कि भाभी किसी गीत को गा रही नहीं, भैया ने वो सुर में गाना सिखा दिया। भाभी ये गाना लग रहा है आपको याद है? एक जोरदार ताली में से पूरे परिवार के लिए। तो कहना क्या है कि मेरे लाडले गणेश प्यारे लखनऊ से डायरेक्ट मुंबई में आए हैं और यहीं से डायरेक्ट लखनऊ से फिर बदलापुर आए हैं। ऐसा ये मुझे मैंने देखा। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए भैया जी के लिए।
तो मैंने एक भजन राम की नगरिया गाया और रमेश भैया उसके दीवाने हैं। उस दिन जब मैंने गाया तो इन्होंने उसका मुखड़ा अपने फेसबुक पे लगाया और मंदिर नजर ना लगे, मैंने गाया कि ना किसी की नजर ना लगे मेरे राम की नगरिया, तो नजर लगते लगते बचे बचे बचे। तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है हम लोगों के ऊपर। जोरदार ताली होनी प्रभु श्री राम जी के लिए। और राम मंदिर बनने के बाद ये पहला गणपति उत्सव है, कितने सौभाग्यशाली हम लोग। तो रमेश भैया, और रमेश भैया देखिए कि अपने विधानसभा से अयोध्या तक पैदल यात्रा करवाया और सब लोगों ने उसका वीडियो बना के रखा है। हमको तो यहाँ तक कि जौनपुर के एक बहुत अच्छे व्यापारी उन्होंने दिखाया, जब मैं भैया वीडियो दिखाया आपका तो वो गाना है कि ना किसी की नजर लागे मेरे राम की नगरिया को, ना किसी की सब लोग बोलेंगे ये कीर्तन है कैसे, ना किसी की। रमेश भैया एक बार आप आ जाइए, थोड़ा सा एक बार रमेश भैया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। रमेश भैया ये कैसे देता है, ये हिंदुत्व के समझ लीजिए बहुत बड़े प्रचारक है। जोरदार ताली होनी चाहिए रमेश भैया के लिए। ना किसी की नजर लागे। इनको देख के भैया हमें लग रहा है कि कोई फिल्म के एक्टर आ गया है। अच्छा पांडे जी, क्या नाम है? क्या बात है। तो विशाल भाई के लिए और हमारे विधायक भाई के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। कैसे कि ना किसी की नजर लागे में भी कहा था कि हम रमेश भैया से एक महीने का इनसे ले लें। अभी आप लोगों को सोचना है और रमेश भैया हम लोगों को हमेशा देते ही रहते हैं, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। भक्त कहता है कि स्वर्ग से भी कलित है नजारे यहाँ, जब से आए बस एक बार मैं चूम लूं सरयू की लहरिया को, ना किसी की नजर लागे मेरे राम की नगरिया को। और ये देखिए रमेश भैया का आशीर्वाद हमारे लिए आ रहा है, तो ये कहना है रमेश भैया के लिए कि हमारे रमेश भैया के सभी हरे जिताई दी है और सांसद बनाई दी है ना, अपने रमेश भैया के सभी जिताई दी है सांसद बनाई दी है ना। और इनके लिए मैंने गा दिया दो लाइन और कहना है दुवरा पे बाजे ला बधैया और घर वा सुहामन हो गई। एक मुखड़ा और हमको अंतरा गाना है, उसके बाद
क्या नाम है आप? नहीं पहचान रहे हो? जरूर मिश्रा जी, क्या बात है। तो कहना है कि आज दबलतिया लूटा मम्मी, आज दबलतिया लूटा वे मम्मी पापा, अब हित प्रीत देखे आज खुशी होके नाचता, अब जौले को खी भैया। देखिए तिवारी भैया भी इस समय मग्न है, जोरदार ताली होनी चाहिए। कि जौने कोखी बेटा बाजन ले कोखी, आज पावन हो गई जौने कोखी बेटा बाजन बदलापुर सजने लगा है, हर दिल में बसने लगा है। ये बदलापुर बदल गया कि बदलापुर सजने लगा है, हर दिल में बसने लगा है। अब तो भैया वहां पे तो मंदिर अब दिखने लगा है, मंदिर ऐसे बनता रहेगा सोच नजारा क्या हो। रमेश भैया ने बदलापुर को बदलापुर बना दिया। एक ऐसा विधानसभा बन गया है कि लोग विदेश में भी पूछते हैं भैया बदलापुर कहाँ है, तो हम लोग कहते हैं कि बदलापुर। बदलापुर चेंज हुआ कि नहीं? हो गया कि बदलापुर, बदलापुर दिखने लगा है, बदलापुर सजने लगा है, हर दिल में बसने लगा है। बदलापुर सजने लगा है, हर दिल में बसने लगा है। रमेश भैया अब तो कोई सजाने लगे, रमेश भैया जब सजाते रहेंगे सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो इस प्यारा क्या होगा, सोचिए तो इस प्यारा क्या होगा। और कहना है मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या हो। अब रमेश भैया आज कई वर्षों से मुंबई भी आ रहे हैं कि प्रदीप भैया अपने यहाँ गणपति महोत्सव मनाने लगे हैं, और हर साल रमेश भैया चीफ गेस्ट के रूप में ये तो आने लगे हैं। ऐसे जब आते रहेंगे रमेश भैया सोच नजारा क्या होगा। भैया कुछ बोल रहे हैं बिजकेश्वर तिवारी भैया बैठे हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। रमेश भैया अभी तो आपने 2100 रुपए दिया ही है, तिवारी जी की तरफ से देखिए 1100 रुपए का आशीर्वाद। एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि बदलापुर सजने लगा है, हर दिल में बसने लगा है। अब तो वहां मंदिर भैया वहां पे बनने लगा है, मंदिर के साथ साथ बहुत काम भी हो रहा है। भैया ने विकास की गंगा है बहाई, पूरे बदलापुर के दिल में रमेश मिश्रा जी हैं समाए। जौनपुर हो या काशी, चाहे हो या अमेरिका, इंग्लैंड हो रूस, चाहे अफ्रीका हो श्रीलंका, और पाकिस्तान में रमेश भैया सबके दिल में छाने लगे हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये धर्म का पता का लहराने लगे हैं। तो कहना है कि मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है। और देखिए एक एक्ट्रेस इस समय साधना पांडे जी आई हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। शिवम भाई एक्ट्रेस, अरे भाई देखिए किसी की कला का तो कदर होना ही चाहिए। अच्छा शुभम भाई ने देखे, शिवम भाई ने और उपमा दे दिया, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। तो हमने बोला कि मथुरा भी सजने लगी है,
अब बंसी अब बजने लगी है, बंसी जब बजता रहेगा सोच नजारा क्या होगा। लेकिन ऐसे नहीं, सब लोग झूमेंगे कैसे, रमेश भैया ने इतना टाइम यहाँ पे दिया कि आप लोग ताली नहीं बजा सकते इनके लिए, तो दोनों हाथ उठा के कहना क्या है, बदलापुर सजने लगा है, हर दिल में बसने लगा है, साधन पांडे मन भी देखे मैं। ये रमेश भैया है, ये ऐसे विधायक हैं कि बहुत चर्चित विधायक है, इनका नाम जो है यहाँ तक कि पीएम भी आजकल ले रहे हैं कि रमेश मिश्रा जैसा विधायक हमने नहीं देखा है। तो रमेश भी अपने की जोरदार ताली होनी चाहिए कि अगर जिसका नाम पीएम ले रहे हैं, क्यों तिवारी भैया, तो कहना है कि काशी भी सजने लगा है, पीएम का अगर कोई कार्यक्रम काशी से लेके कहीं भी हो तो रमेश भैया उसमें जरूर दिखते, तो कहना है कि काशी भी सजने लगी है। काशी भी सजने लगी है, डमरू भी बजने लगी है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। साधना पांडे मैम आज यहाँ आने लगी है और हम सब के बीच मुस्कुराने लगी है, और रमेश भैया जब सांसद बन जाएंगे, जब फिर आएंगे तो सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो इस प्यारा क्या होगा, सोचिए तो इस प्यारा क्या होगा। आगे आगे मैं गा रहा हूँ, आपको पीछे पीछे गाएंगे ऐसे हो विंध्याचल सजने लगा है, कॉरिडोर अब बनने लगा है, विंध्याचल सजने लगा है, कॉरिडोर अब बनने लगा है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब शिवम भाई के लिए कहना है, भैया उनके मस्त है, हम इसी से अपने बाटो से थे, अरे ऐसा नहीं है, बहुत गाना गाए कि एक दिन हम कहते पाड़े से, तो जोरदार ताली इनके लिए होनी चाहिए। और आजकल हमारी साधना मैम भी ये गाना सुनती है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कि जिसकी बीबी लंबी अरे उसका भी बड़ा नाम है, तो दोनों हाथ उठा के ताली होनी चाहिए प्रदीप भैया, तो एक ताली भी होनी चाहिए। गणपति भगवान के हम लोग उत्सव में आए हैं, तो मैंने ये तो दो लाइन कहना है, तो सुनाएगा इसको अच्छा, तो दोनों हाथ उठा के बाबा के लिए ताली होनी चाहिए। और देखिए कि मुंबई तट के नजारा सुहाना लगे, माया के तहर दिल दीवाना लगे, कहे मंद मंद कहे मंद मंद कहे मंद मंद कहे मंद मंद पूर्वी गयरी, बड़ा नीक लागे मुंबई नगरी, कहे मंद मंद पूर्वी गयरी, बड़ा नीक लागे मुंबई नगरी। अंत की लाइन है गुरु जी, मन मेरा झूमे सुन के तराना, चारों ओर गूंजे हो राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। और कहेगा कि बीत जाए यही सारी उमरिया, अब बड़ा नीक लागे राम की नगरिया, यहाँ के कड़ कड़ में राम है समाए, अवध जो जाए वो वही का हो जाए, बन गई है राम लला की मंदिर।